हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के उपलक्ष्य में गांधीबाग अग्रसेन चौक पर मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष मोतीराम मुहाड़ीकर के नेतृत्व में नागपुर शहर महिला अध्यक्ष नैशली की रैली का भव्य स्वागत किया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्षा नैशली ने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, महंगाई की मार, बेरोजगारी, महिलाओं को उनके मिलने वाले अधिकारों से वंचित करना आदि मुद्दों पर प्रकाश डाला। महिलाओं के अधिकार के लिए पूरे नागपुर शहर में रैली निकालकर केंद्र सरकार को संदेश देने का प्रयास किया गया। मध्य नागपुर के युवा नेता मुहाड़ीकर ने बताया कि मोदी की हिटलर शाही में महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, जिस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। इस जन जागरण रैली में मुख्य रूप से गीता जलगांवकर, रूपेश लोखंडे, सुनील दहीकर, स्नेहल दहीकर, नरेश चौधरी, नितिन नंदगांवकर, राहुल खापेकर, शंकर रणदिबे, प्रकाश लायसे, वर्षा खौसे, मीनो वाकोड़ीकर, अविनाश बंसोड, भानुमती नंदनवार, त्रिवेणी नंदनकर, हेमंत बारापात्रे, गंगाधर बांधेकर, अमर सिंह धौशिल, राकेश वैद्य, अनिता अड़ेलकर सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। संत गम्माजी महाराज शिक्षण संस्थान ने हिंगना तालुका में प्रशासनिक पद पर कार्यरत सक्षम महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग ने की। मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा चौधरी, उपविभागीय अधिकारी नागपुर ग्रामीण प्रियदर्शनी बोरकर, तहसीलदार हिंगना, वानाडुंगरी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी अर्चना मेंडे, नागपुर जिला परिषद राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के गटनेता दिनेश बंग, जिला परिषद सदस्य रश्मि कुटगुले, संस्था के संचालक महेश बंग, संचालिका अरुणा बंग आदि मान्यवर मौजूद थे। इस समय सक्षम महिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में उपविभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी, तहसीलदार प्रियदर्शनी बोरकर, नगर परिषद वानाडोंगरी के मुख्याधिकारी अर्चना मेंढे, प्राथमिक स्वास्थ्य रायपुर केंद्र की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेखा सेलूकर, ग्रामीण अस्पताल हिंगना के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्मिता गजभिये, पंचायत समिति हिंगना के पशु विकास अधिकारी डॉक्टर रुचा लांजेवार, हिंगना पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक अमृता सोमवंशी, जिला परिषद की सदस्य रश्मि कुटगुले, हिंगना की सुप्रसिद्ध महिला यूट्यूबर संजीवनी निनावे को अपने अपने क्षेत्र से बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक भाषण संस्थान की संचालिका अरुणा महेश बंग ने दिया। कार्यक्रम का संचालन आनंद महाले तथा आभार प्रदर्शन दिनकर लखमापुरे ने किया। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नंदनवन नागपुर में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद मुख्यालय के दिशा निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मिलिंद एन सूर्यवंशी, प्रभारी सहायक निदेशक ने की एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनीषा धावड़े, पूर्व उपमहापौर प्रमुख वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर रूपा अशोक वर्मा, प्राचार्य महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था नागपुर एवं श्रीमती संजीवनी संपतराव थोरात पुलिस निरीक्षक द्वारा धन्वंतरी पूजन एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। मुख्य अतिथि मनीषा धावड़े ने उपस्थित मान्यवरों को बताया, दरअसल एक महिला सहनशीलता की मूर्ति है, किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वो अन्याय को सहन करेगी। महिलाओं ने न ही अन्याय सहन करना है, न ही किसी पर अन्याय करना है। कार्यक्रम के प्रथम प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर रूपा अशोक वर्मा ने अत्यंत सरलता से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के पीछे का इतिहास बताते हुए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की थीम से सभी को अवगत कराया। उन्होंने एक डॉक्टर होने के नाते सभी महिलाओं को आह्वान किया कि वे परिवार तथा समाज की अच्छी सेहत बरकरार रखने में सहायता करें। नागपुर मंडल के अजनी स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। मध्य रेल के मुंबई मंडल माटुंगा के बाद नागपुर मंडल का अजनी रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है। सभी महिला कर्मचारियों, एनसीसी और एनएसएस स्वयंसेवकों के सहयोग से रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को अश्वती दोरजे, आईपीएस जॉइंट सीपी नागपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संभागायुक्त प्राजक्ता लवंगारी वर्मा और डीआरएम सेंट्रल रेलवे ऋचा खरे ने महिलाओं को संबोधित किया और उत्तीर्ण महिला कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संगीता पहाड़े लोको पायलट, प्राची वर्मा सहायक लोको पायलट, अमला बैतूल सेक्शन, सुनीता कोल्ले गोधनी नरखेड़ सेक्शन, गीतिका कुमारी गोधनी अमला सेक्शन, संगीता ढेहरिया जुन्नारदेव परासिया सेक्शन आदि महिला पायलट एवं लोको पायलट का सत्कार किया गया। सीनियर डीसीएम कृष्णनाथ पाटिल ने भी महिला कर्मचारियों को उनके बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऑनलाइन स्वास्थ्य संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें लता मंगेशकर हॉस्पिटल हिंगना के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश्वरी ने अतिथि व्याख्यान दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के हुरी नगर में शक्तिधाम सार्वजनिक सेवा संस्था महिला समिति कामाक्षी नगर की महिलाओं की स्कूटर रैली का गुलाब फूल से स्वागत किया गया। सभी महिलाओं को कोल्ड ड्रिंक व पानी की बोतल दी गई। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज सेवक व पूर्व नागपुर भाजपा मीडिया प्रमुख मनोज अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हितेश जोशी के साथ साधना ठुमरे, रितु जायसवाल, पद्मा शर्मा, दीपा तिवारी, रत्नमाला जोशी, संगीता सोनक, रजनी सेल्वेरू, मीना पवार, मोनिका खुराना, मनीषा जानवे, शीला फुलवाले, संगीता लांबट, शिल्पा लांबट, राउत भदाड़े, डोली निनावे, ढूमने ढोबले कुबड़े, कुंदा चौधरी, प्रियंका सावरकर, अश्विनी चिलाटे, चित्रू, बिट्टू तिवारी, धवल जोशी, आशीष मर्जीवे आदि का योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के भरतनगर में महिला कर्करोग निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में पूर्व नगर सेवक प्रदीप पोहाने द्वारा किया गया। इस शिविर में 80 से ज्यादा महिलाओं ने निःशुल्क जांच कराया। एक निकटवर्ती कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर चेकअप किया गया। शिविर का आयोजन श्वेता प्रदीप पोहाने द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुभाष कुटेजा, शंकर गौर, संदीप दखनकर, अजहर अली, संदीप पाटिल, भूषण इंगले, नंदा पलंदूरकर, रेखा रायकवाड़, प्रमोद शाहू, मनोज थोटे, शैलेश नेताम आदि मान्यवर उपस्थित थे। आरोग्यधाम हेल्थ केयर सोसाइटी के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर निःशुल्क स्त्री रोग निदान शिविर का आयोजन बहुजन हिताय गर्ल्स हॉस्टल कुशीनगर जरीपटका में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं का हेल्थ चेकअप जी कुमार आरोग्यधाम की संचालिका डॉक्टर अंजू ममतानी व उनकी टीम द्वारा किया गया। उपस्थित सभी महिलाओं का बीपी, ब्लड शुगर व हीमोग्लोबिन जांच निःशुल्क किया गया। साथ ही उन्हें महिला दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंजू ममतानी द्वारा स्वास्थ्य संबंधित विविध विषयों पर जानकारी दी गई। डॉक्टर ममतानी ने महिलाओं को समझाया कि प्रत्येक महिलाओं के स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जब तक एक महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तब तक पूरा परिवार स्वस्थ नहीं रह सकता। अतः जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ महिलाओं को अपने आहार, व्यायाम, विश्राम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिविर आयोजक प्रोजेक्ट मैनेजर माधुरी मनोहर व मनीषा शेंडे ने डॉक्टर अंजू ममतानी व पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश गुरबानी का आभार माना। अंत में उपस्थित सभी 102 महिलाओं को स्वास्थ्य वाटिका का स्त्री रोग विशेषांक निःशुल्क दिया गया। स्त्री निनाद एवं स्वर अमृता का आयोजन दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में किया गया। महिला कलाकारों द्वारा विभिन्न सुमधुर प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन आरती कुलकर्णी ने दीप प्रज्वलन कर किया। आरती कुलकर्णी एवं आकांक्षा भेंडे को गौरी मराठे उपनिदेशक दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति स्वराली संगीत संस्था नागपुर द्वारा स्वर अमृताचे गाकर दी गई। इसमें महिला कलाकारों द्वारा सितार, वायलिन, हारमोनियम एवं तबला की सुमधुर प्रस्तुतियां दी गई। इसमें महिला कलाकारों ने ओंकार स्वरूपा सदगुरु समर्था, रागशिव रजनी, अखियन संग अखिया, लावणी धुन, धुन किरवानी, जयस्तुते आदि मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। प्रस्तुति का समापन वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। इसमें सितार पर मृदुला सुदामे, जयश्री कोठेकर, स्वाति गोखले, सुनीता राजनेकर, हेमा पंडित, रोहिणी संगवई, हर्षदा हेडाऊ, हर्षदा गुड़बुले, मानसी जोशी, वायलिन पर डॉक्टर लता मोड़क, सोनाली राजने, ओजस्विनी डिकोलकर, हारमोनियम पर स्वाति पटवर्धन, तबले पर सोनाली सहस्त्रबुद्धे, धनश्री देशपांडे ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति स्वर सखी मंच नागपुर द्वारा स्त्री निनाद की दी गई। इस प्रस्तुति में युवा महिला कलाकारों द्वारा फ्यूजन गीत गाया गया। भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी और भाजपा महिला मोर्चा की संयुक्त पहल से मध्य नागपुर क्षेत्र के प्रभाग 12 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिन महिलाओं ने विधवा होने के बाद भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई है उनका सत्कार किया गया। उन्हें शॉल, वृक्ष, सम्मान चिन्ह, लंच बॉक्स देकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि भास्कर पराते ने मान्यवरों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कामगार देश के आर्थिक विकास का अहम हिस्सा होते हैं। आज की महिला हर क्षेत्र में आगे है और उसे और आगे जाने के लिए सरकार ने विविध योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिसका लाभ महिलाओं को लेना चाहिए।
महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के खादी ग्रामोद्योग आयोग विभाग की कई योजनाएं हैं जो स्त्री के विकास के मार्ग के लिए नई उम्मीद की किरण साबित होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कल्पना सोनटक के अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा वामन पारवे, नानू धकाते, रजत पराते, नानेश्वरी कावड़कर, बेबी कुईकर, संगीता मंडवाले, शकुन गणेश पिंपलघरे, लक्ष्मी विजय वाघ, विद्या दिलीप काठीकर, भारती बारापत्रे, लक्ष्मी पौनीकर, गीता पराते, ललिता लिखार आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर तथा कल्याणम योग केंद्र सूरत द्वारा संयुक्त रूप से 8 दिवसीय महिलाओं से संबंधित व्याख्यानमाला तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश विदेश से अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में चली परिचर्चाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का संतोषजनक समाधान प्राप्त किया। सभी ने आयोजकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सुबह की दैनिक क्लास के अलावा कुछ कार्यक्रम दोपहर व रात्रकालीन भी रखे गए। देश विदेश से आमंत्रित विशेषज्ञ वक्ताओं में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की महामंत्री मधु देरासरिया, लोढ़ा फाउंडेशन स्कूल समूह की चेयरपर्सन मंजू लोढ़ा, भगवान महावीर एजुकेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी हर्षिता जैन, योगा डांस स्टूडियो कोल्हापुर के संस्थापक प्रोफेसर शिल्पा डेगांवकर, मेघना पांड्या, अनुव्रत प्रचेता, अलका सांखला, डॉक्टर अनिता ताथेड़, परवीन रानी, डॉक्टर कल्याणी कुलकर्णी, थेरेपिस्ट जयश्री डागा, हेमा रचमाले, रॉक एंड फिट की डायरेक्टर संगीता पुगलिया आदि ने उत्साहपूर्वक अपने अपने टॉपिक पर श्रोताओं की समस्याओं का समाधान किया। जनसेवा समिति ने बिना की मंगलवारी किनखेड़े लेआउट प्रभाग 8 साई मंदिर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया। इस अवसर पर समिति ने विविध क्षेत्र में उत्तीर्ण रही महिलाएं वर्षा ढगे, छाया रोहन कर, कांता इंगले, साधना भुजाड़े आदि का सत्कार किया। सम्मान समिति के अध्यक्ष विद्यासागर साहू ने मान्यवरों को शॉल और सम्मान चिन्ह दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष गुणवंत झाड़े, रवि वनमाली, मोंटी काटे, पुष्पा भानारकर, शुभांगी मोटघरे, अनुराधा भोगे, साधना, किरण, आशा और शुभम हिंगे उपस्थित थे। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन ये विषय पर वेबिनार का आयोजन ग्लोबल हंट फाउंडेशन की कॉरपोरेटर पार्टनर यूनिचारम इंडिया के सौजन्य से किया गया। विद्या चौधरी CSR कार्यकारी अधिकारी ने मासिक धर्म चक्र के बारे में समाज में फैले विभिन्न भ्रमों को वैज्ञानिक तथ्यों से समझाकर दूर किया और स्वच्छता संबंधी पहलुओं पर चर्चा की। वेबिनार का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर इंदु ममतानी द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार के मार्गदर्शन में वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र रीजन लेडीज विंग नागपुर चैप्टर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संस्था के पदाधिकारियों ने महिलाओं और बच्चों के साथ खुशियां बांटी। प्रमुखता से संस्था अध्यक्ष जया खात्री, उपाध्यक्ष रश्मि कौरानी, कोषाध्यक्ष रश्मि हरिरामानी, सदस्य प्रतिभा आसुदानी, रीटा जेसवानी, ट्विंकल रूपचंदानी की उपस्थिति रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रीटा जेसवानी ने महिला दिवस की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाएं परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार से समाज, समाज से शहर, शहर से राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः एक देश के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः महिलाओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाओं की चर्चा कर देश की बालक बालिकाओं को प्रेरित किया जा सकता है। उपाध्यक्ष कौरानी ने बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में समझाया तथा सभी उपस्थित पालकों से सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने का आग्रह किया। खत्री ने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों ही परिवार चलाने में योगदान देते हैं, परंतु स्त्रियां परिवार चलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। आभा आसुदानी, ट्विंकल रूपचंदानी ने विभिन्न खेलों का आयोजन कर बच्चों के मनोरंजन के साथ कई रोचक तथ्यों की जानकारी साझा की। आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित आदर्श महिला मंच की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के शुभ अवसर पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन बालाजी सभागार सुयोग नगर में किया गया।
किसी भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है कि उस देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका अधिक रहे। आज भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में महिलाएं अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुकी हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने के लिए आदर्श बहुउद्देश्य शिक्षण संस्था द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, खेल, सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। घरों में काम करने वाली महिलाओं को साड़ियां और कंबल, चादर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा वितरित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की पूजा, दीप प्रज्वलन और भावगीत से की गई है। कौशिक ग्रुप द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वृंदा विकास ठाकरे, नीलिमा किशोर बाव ने, मंगला शशांक खेकरे, स्वाति वंजारी, वंदना व्यास, वैशाली मिश्राम, सुनीता जोशी, वैशाली तलवेकर, अविनाश ठाकरे आदि उपस्थित रहे। श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हर्षोल्लास से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद पोद्दार ने की। महिला दिन के अवसर पर विश्व की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई तथा कहा कि ये दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनीषा धावड़े, पूर्व उप महापौर, चेतना टांग, पूर्व नगर सेविका, डॉक्टर वसुंधरा भोयर, जोनल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर हेमांगी भानारकर, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, हेमा देश पांडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी आदि मान्यवर थे। सभी महिलाओं ने इस खास अवसर पर एक ही स्वर में कहा कि स्त्री है तो संसार है, कम नहीं है किसी से, साबित कर दिखलाऊंगी, खोल दो बंधन इनके, हर मंजिल पाकर दिखाऊंगी। हॉस्पिटल के सभी संयोजक गण हरीश अग्रवाल, कन्हैयालाल मानधना, रतन अग्रवाल, पवन पोद्दार, ऋषि खुंगर, शिव गुप्ता ने हॉस्पिटल में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन मधुसूदन सारडा ने किया। राजनीति में सक्रिय कार्य करने के लिए अपनी पहचान बनाने वाली रजनी राउत को रांगापा के पश्चिम नागपुर महिला आघाड़ी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। रविवार को फारस चौक स्थित एनसीबी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल थे। एनसीपी के अन्य बड़े पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता गण भी मौजूद थे। रजनी राउत को नागपुर शहर महासचिव आनंद सिंह ने 200 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में प्रवेश दिलाया। साथ ही गणमान्य अतिथियों का सत्कार भी किया गया। जूलियस क्रिस्टोफर, सोनिया बाव ने, कल्पना इंगले, वंदना सेवतकर, चंदा चक्रधर, सरिता बाव ने, रेखा अंबोरे, पिंकी श्रीवास आदि ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। प्रेमनगर, साईनगर में कोरोना महामारी कम हो जाने से सभी के लोक कल्याणार्थ रवि कुमार देशमुख के यजमानत्व में आराधना भजन मंडल द्वारा अखंड रामचरितमानस का पठन संपन्न हुआ। इस लोक कल्याणार्थ उपक्रम पर परिसर के लोगों ने अखंड पाठ में उपस्थिति दर्ज की। रामायण समापन के पश्चात विधिवत हवन पूजन किया गया एवं भक्तजनों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। कार्यक्रम के सफलतार्थ धर्मेंद्र साहू, लीलाधर टिपड़े, प्रशांत अलोडे, मुकुंद कछवे, विठल राव गभने आदि मान्यवरों ने प्रयास किया। शहर के सुभाष नगर स्थित होटल चेन्नई नेक्स्ट में करवीर सॉल्यूशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मेट्रो रेल पायलट प्रीति सुधवाड़ का सत्कार किया गया। कार्यक्रम में मंच पर करवीर सॉल्यूशंस की चेयरपर्सन छाया वजलवार और सविता मंगलगिरी मौजूद थी। अपने सत्कार के उत्तर में प्रीति सुधवाड़ ने कहा कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, उन्हें केवल प्रोत्साहन की जरूरत है। वजलवार ने कहा कि प्रीति सुधवाड़ ने मेट्रो रेल जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत मृणाल कटे ने समूह गीत के माध्यम से की। जयश्री मुदलियार ने कहा कि महिलाएं भी व्यापार में आगे बढ़ सकती है। नंदिता सोनी द्वारा एक कविता प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन मृणाल काटे ने किया और सचिव सविता मंगलगिरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के सफलतार्थ संजीवनी चौधरी, अनुराधा रघुदे, अश्विनी घाटे, कुमुदिनी देशमुख, माधवी सुपसांडे, इंदिरा कवाड़े, कल्पना गणवीर, माया ढोके, सुनैना खाड़े, पूजा किरणानकर, पल्लवी भगत, सुषमा दामोधरी, नीलिमा ढोके, शोभना हुड आदि ने प्रयास किया। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार फिरौती वसूलने, जमीन के टुकड़े हड़पने और आतंकवादियों की मदद करने वालों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पिछले 2 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। ये मांग भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने शहर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। महिला दिवस के मौके पर नागपुर पहुंची चित्रा वाघ ने कहा कि मंत्री गुलाबराव पाटिल के बयान पर मामला दर्ज नहीं हुआ है। क्या सांसद संजय राउत द्वारा भाजपा नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और अकापा जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ किया गया असभ्य वक्तव्य महाराष्ट्र का अपमान नहीं है?
पिछले दो सालों में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। बीड़ में बीजेपी विधायक नम्रता मुंदड़ा के साथ जो हुआ इससे साफ है कि महाराष्ट्र में दरअसल जंगल राज चल रहा है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज़। नमस्कार।